ओम शांति। आज 21 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मत बन। आज की मुरली का सार, मिठे बच्चे देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चा ब्राह्मण है, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। पापा बोल रहे कि देवता बनने से पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। सबसे पहले हमें ब्राह्मण बनना है, बाद में हम देवता बनेंगे। ब्राह्मण सो देवता और देवता सो ब्राह्मण। आज का प्रश्न, दूसरी सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? तो बाबा ने उत्तर दिया है कि दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाए। जितना तुम पढ़कर धारण करते हो और कराते हो, उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। तो पापा बोल रहे हैं कि हम जितना ज्ञान धारण करेंगे और औरों को ज्ञान बांटेंगे, तो हमें बाबा का वर्षा मिलता ही रहेगा। तो इसलिए पापा बोल रहे हैं कि इस सत्संगों में फायदा ही फायदा है, क्योंकि बाबा हमें वर्षा देता ही रहता है। जितना हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे और औरों को भी पढ़ाई देंगे, औरों को भी हमें ज्ञान देंगे, तो हमारा भलाई भलाई, हमारा फायदा ही फायदा है। ओम शांति। रूहानी बाप बेठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तो रूहानी बाप आत्मा समझकर बाबा को हमें सामने बिठाना है, और हम खुद को भी आत्मा समझना है। तो रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा बोलते हैं, हम आत्मा अभिमानी बेट के बाबा का ज्ञान सुनेंगे, बाबा को सामने बिठाएंगे, आत्मा आत्मा, तो इजीली हम ज्ञान धारण कर सकते हैं। पापा बोल रहे हैं कि बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। हम बारी बारी सुनेंगे कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं और स्थिर रहेगी, अचल और अडोल रहेगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं, यहाँ हम आए हैं देवता बनने, हम एडोप्टेड बच्चे हैं, हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो, तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम अभी ब्राह्मण बने हैं तो देवता जरूर बनेंगे, क्योंकि हम बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं। एवरीडे हम बाबा का ज्ञान लेते हैं, तो हम 110% ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता, परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाएंगे। यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड। है ही भारत, तो इन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते, क्योंकि हम अपवित्र हैं। अभी हमें
पवित्र बनना है। तो इसीलिए हम ये सब ज्ञान इजीली धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हम पवित्र अभी नहीं बने, लेकिन बाबा की उंगली पकड़कर हम पवित्र बन जाएंगे। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं, और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। बाप ने समझाया है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे, अब तुम ब्रह्मा के एडोप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, तो अभी हम बच्चे पढ़ाई करते हैं ब्राह्मण से देवता बनने के लिए। ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, एड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो ये समझना अच्छा है। अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वह धमन टूट जाएगा, मैं फलाना हूँ यह हूँ। समझेंगे हम तो तमो प्रधान है, पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं, जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। नंबर वन मैप यह है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी है, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तो हम तो लकी बच्चे ठहरे जो हम अभी संगम युग पर है। तो संगम युग पर ही बाबा आते हैं और हम अपवित्र को पवित्र बनाते हैं, तो हम लकी बच्चे हैं जो हम अभी इस संगम युग पे हैं। ये पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं, जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंच है, कहते हैं यह तो जैसे देवता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है। कोई अच्छे लोग होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये तो देवता जैसा है, मीन्स देवताई गुण है। तो हम अच्छे गुण होते हैं तो कहलाते हैं देवता। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप पेट समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, निराकारी। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, क्योंकि हमने राजयोगा का कोर्स किया है और हमने बाबा ने खुद हमारी उंगली पकड़ी है, तो हम अब सब कुछ जानते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए हैं, वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। अभी वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बनेन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, क्योंकि बाबा खुद आकर
ब्राह्मण को पवित्र बनाते हैं और कहीं भी हमें बाबा पवित्र बनाने नहीं आते, तो हमें ब्राह्मण तो जरूर बनना है। हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा पवित्र बना के सतयुग में ले जाते, देवदी देवता बनाते हैं, तो हमें ब्राह्मण तो जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, शूद्र डिनास्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? उन्होंने का नाम निशान ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है। नंबर वन है सूर्यवंशी, अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो इसके लिए हमें ब्राह्मण बनकर मेहनत कर अगाध पुरुषार्थ कर हमें महाराजा और महारानी बनना है। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है, आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर है, अभी सब बंधन में है। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, न कि जीवन बंधन में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएगा। यह खेल बना हुआ है, इस बेहद के खेल से हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने, यह आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं। कैसे आते हैं यह सब बातें समझाई जाती है। कई आत्माएं यहाँ की पुनर्जन्म लेती रहती है, तो बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते, इसीलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो, तुम हो स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे, तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। बाबा बोल रहे कि हम स्वच्छ बन रहे, हम बच्चे लक्की बच्चे, बाबा हमें स्वच्छ बना रहे हैं। स्कूल में भी पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ, तो बाबा हमें एवरीडे आके राजयोग सिखलाते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ, निराकार बाप को याद करो, तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। तो हमें स्वदर्शन चक्र घुमाना है, खुद को चेक करना है कि हम कितने पवित्र बने, कौन से विकार हमारे में रह तो नहीं गया है। तो स्वदर्शन चक्र हमें घुमाना है और पवित्र बन जाना है। यह तो समझाना बहुत सहज है, अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धी मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं, तलवार की झोर से भी मुसलमान बने हैं। पहले
राजाएं थे, उसी ने सभी लोगों को तलवार की नोक से मुसलमान बनाए थे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, बोधे भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बोधे बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ते आदम सुमारी इस समय उन्होंगी है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं, तुम स्वदर्शन चक्र धारी हो। बाबा ने बोला है कि तुम स्वदर्शन चक्र धारी हो। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। स्वदर्शन चक्र हम विष्णु भगवान के हाथ में देखते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। यह तीनों ही एक ही है। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्र माना, स्वदर्शन चक्र घुमाना मीन स्व का दर्शन, खुद की चेकिंग करना है कि हम कितने पवित्र बने, हम ब्राह्मण बच्चे कितने आगे बढ़े, हमारे में क्या क्या कमी है, कौन से भूत कौन से विकार अभी भी हमारे में बाकी रह गए हैं। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि यह तीनों एक ही है। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते, बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, यह ज्ञान की बात है। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पास भस्म होंगे। तो एवरीडे पोतामेल करेंगे, स्लोली स्लोली हमारे विकार हम मिटते जाएंगे, बाबा को दे देंगे और स्वदर्शन चक्र एवरीडे हमारे में पोतामेल करेंगे कि आज कौन सा विकार है तो इसको बाबा को सौंप दे और हमारे में गुण ले ले। तो स्लोली स्लोली हमारे में सभी गुण आते ही जाएंगे, विकार का नष्ट हो जाएंगे, हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात ही नहीं, चक्र कोई हिंसा का नहीं है, यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहा कि बात कहाँ ले गए हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। पता ही नहीं कि हमारा घर कौन है। हमारा ओरिजिनल घर है परमधाम। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिककर भीतर में कर दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानी की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक कर भीतर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं। 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसीलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियार, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है, यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसीलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवाए कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे तो फायदा ही फायदा है। पापा बोल रहे हैं कि हम जितना ज्ञान बाबा से धारण करेंगे और औरों को भी ज्ञान धारण करवाएंगे तो फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। तुम जानते हो
हम ब्राह्मणी स्वर्गवासी बनते हैं, स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि सब स्वर्गवासी तो बनेंगे, लेकिन उसमें भी पद है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो, बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है, वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, स्टार मिशल आत्माएं खड़ी है। यह कुदरत है ना, सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं? आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये निराकारी दुनिया बहुत ही छोटी है, क्योंकि वही आकारी नहीं है, छोटी छोटी बिंदी, तो इसलिए हमें इतनी बड़ी जगह ही नहीं चाहिए। लेकिन ये अभी साकारी दुनिया में तो कितनी कड़ी, कितनी बड़ी जमीन है, कितनी सब कुछ चाहिए। तो ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन पापी दुनिया है, और परमधाम तो बहुत ही पवित्र छोटी सी दुनिया है जहाँ आत्माएं बसती हैं। तो इसलिए बाबा बोले कि आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, प्यारी प्यारी मीठी मीठी मधुर मुरली सुनाने के लिए। पापा कितने प्यार से एवरी डे हमें उठाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो हम बच्चों की भी ड्यूटी होती है कि हमें भी पापा को एवरी डे उठ के गुड मॉर्निंग करनी है, एवरी डे, कभी भी चुकना नहीं पापा को गुड मॉर्निंग करने के लिए, और सोचना है कि हम आत्मा हैं। आज की धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। जितना जितना हम ज्ञान धारण करते जाएंगे, इतना हमारे पाप कटते जाएंगे। तो हम हमारे विकार माया मोह से हम छूटते जाएंगे, तो हमारे भूत पांच विकार रूपी भूत को हम काटते जाएंगे, अगर हम ज्ञान धारण करेंगे तो। बाबा बोल रहे कि ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो हमारे पाप कट जाएंगे। दूसरा, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। बोलते हैं ना कि जिंदगी तो सब लोग जीते हैं, जैसे वो भिखारी लोग होते हैं, वही कई कितने भी ऐसे हैं गंदे लोग भी हैं, लेकिन जीवन तो सब लोग जीते हैं। लेकिन हमें पवित्र बनकर सबसे ऊंच पद पाकर जीना है, तभी हमारी लाइफ वर्थ इट होगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। ऐसे जीवन जीना नहीं है, बाबा ने हमारी उंगली पकड़ी है, हमने राजयोग बाबा से सीखा है, तो हम पद भी ऊंचा पाएंगे। ऐसी तैसी जिंदगी जीनी नहीं है। अभी तो हम ब्राह्मण बच्चों को सब कुछ पता चल गया है, और वैसे भी बाबा ने हमारी उंगली पकड़ ली है, तो हम तो उच्च पद पा ही लेंगे, और हमें इसके लिए मेहनत भी करनी है, तो बहुत मेहनत, गाद मेहनत करके बाबा को सर्व संपन्न सब कुछ दे के बाबा की गोद में समा कर हमें उच्च पद पाना है। दिल में सदा यह खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। बोल रहे हैं कि हमें बहुत ही खुश होना है कि अब हम ब्राह्मण से देवता बनने जा रहे हैं, बाबा हमें ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं, और बाबा खुद हमें ब्राह्मण से देवता बनाने
आए हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा खुद आकर हमें ये ज्ञान सुना रहे, ये नॉलेज दे रहे, राजयोग की नॉलेज। तो हम तो कितने खुश नसीब लक्की बच्चे हैं जो खुद बाबा हमें ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। आज का वरदान, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है, योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संगत जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें, तब कहेंगे निरंतर योगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि हमारी मन और बुद्धि, हमारी कर्मेंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है। अगर हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे, बाबा का ज्ञान अविरत लेंगे, बाबा के ज्ञान में जुड़े रहेंगे, अमृत वेला, नुमाशान, बाबा की मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, ऐसे राजयोग में अविरत हम रहेंगे तो हम हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मन और बुद्धि को हम अचूल और अडोल बना सकते हैं, तो हम जब भी चाहे जैसा चाहे वैसा संकल्प कर सकते हैं। तो हमारी बुद्धि और मन को हम कंट्रोल करके हमें जैसा संकल्प करना चाहे वैसा संकल्प हम कर सकते हैं। तो बाबा बोल रहे कि विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। तो इसके लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही मेहनत करनी है। आज का स्लोगन, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनो। तो बाबा बोल रहे हैं कि मास्टर विश्व शिक्षक बनो, पूरे विश्व का शिक्षक बनो, हम सभी को शिक्षाएं दे, लेकिन समय को शिक्षक नहीं बनाओ। तो समय को हमें यूज करना है, हमें जितना समय मिला है उसी समय को हमें यूज कर लेना है और विश्व के मालिक बन जाना है। टाइम बहुत ही कम है, कलयुग चल रहा है अभी, तो जितना हो सके समय का यूज करके बाबा को सब कुछ अर्पण करके, बाबा के ज्ञान को धारण करके, औरों को ज्ञान दे के विश्व के हम मालिक बन जाएंगे, मास्टर विश्व शिक्षक बन जाएंगे। तो आज की मुरली बहुत प्यारी है, बाबा बोल रहे हैं कि हमें आत्माभिमानी बनना है और हमारे घर वापस जाना है, इसलिए हमें पवित्र भी बनना है। तो बाबा की उंगली पकड़कर, बाबा से छुड़कर हम पवित्र बन जाएंगे, तो इसके लिए हमें मेहनत भी करनी है। ओम शांति। 2 मिनट हम बाबा को याद कर लेते हैं।